इस वक्त हम लोग लाहौर के रोड पे हैं और मेरे साथ मेरे साथी यहाँ पे पीछे बैठे हुए हैं और हम लोग जलसगाह पे नहीं पहुंच सके। और ये आप इस वक्त देख लें, बाबर खान और कमरान खान और साजिद, दोपहर से हम लोग मुख्तलिफ रोड्स के ऊपर थे, रुकावटें बेतहाशा इस फैशिस्ट हुकूमत ने, मरियम नवाज ने, इस डाउट आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान ने, शाहबाज शरीफ एक डरपोक वजीर आजम जो बना हुआ है फॉर्म 47 का, इन सारों ने लगाई थी। और मैं दाद देता हूं अपने चीफ मिनिस्टर अली अमीन खान गंडापुर साहब को और अपने साथियों को जिन्होंने अपने हाथों के साथ रुकावटें खोली। जगह जगह पे कंटेनर्स लगे हुए थे, ट्रक्स को साइड पे किया, ट्रैफिक चलाई, पूरा रिंग रोड इन्होंने बंद किया हुआ था। सिर्फ एक खौफ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खैबर पख्तूनख्वा से लोग, अवाम पंजाब में और लाहौर पे ना पहुंच सके। क्या हम कोई अमृतसर के शहरी हैं? कोई हम लोग खुदा ना खास्ता हिंदुस्तान से आ रहे थे? क्या लाहौर पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है? क्या हम लोग पाकिस्तान के शहरी नहीं है? ये बताओ या ये करना चाह रहे हैं? ये पाकिस्तान को कमजोर करने की कोशिश है। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत पाकिस्तान को कमजोर कर रही है और ये हम लोग कभी नहीं होने देंगे। इनको सिर्फ एक ही डर है ख्वातीन हज़रात, और वो है वजीर आजम इमरान खान साहब, जो कि पाकिस्तान की इकाइयों की जंजीर है, जिन्होंने खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, आजाद जम्मू कश्मीर, बलूचिस्तान, सिंध सारों को जोड़े रखा हुआ है। और कैदी नंबर 804 वो अल्हम्दुलिल्लाह उसने पूरे पाकिस्तान में लोगों में शऊर बेदार की है। जलसा की कामयाबी की मुबारकबाद मैं आप सबको पेश करता हूं। हर एक हथकंडे के बावजूद बेतहाशा बड़ा जलसा, जलसा की ऑर्गेनाइजिंग कमेटी को मैं मुबारकबाद पेश करता हूं। मैं अली अमीन खान को मुबारकबाद पेश करता हूं। मैं सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मर्द, खवातीन, वर्कर्स, एक्टिविस्ट, पार्लियामेंटेरियंस को मुबारकबाद पेश करता हूं। पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया।